हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। इसमें देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, एक थियोरेटिकल पोर्शन के लिए हमने एक वीडियो डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो बनते हैं, जो भी क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं, लगभग क्वेश्चंस यहाँ कवर हो जाएंगे। इवन वो क्वेश्चंस वहाँ उस वीडियो के अंदर भी कवर हो गए थे, बट एमसीक्यू रहते हैं एनटीएससी के अंदर, तो आपको थोड़ा सा एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द थ्री स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स आर। तो सॉलिड से पॉइंट तक आने में थ्री स्टेप्स कौन से होते हैं? तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सॉलिड से पॉइंट आने में, पॉइंट बनने में कितने स्टेप्स होते हैं? तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते हैं? थ्री। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इवन ये हमने वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है। अब वहां ये कहा था कि जो यूक्लिड के अकॉर्डिंग कि सॉलिड से बनता है सरफेस, और सरफेस से क्या बनता है? लाइंस, और लाइन से बनते हैं पॉइंट्स। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ट्रू। ये थ्री स्टेप्स यूज होते हैं। फिर हमने वहां ये डिस्कस किया था कि सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ डायमेंशन कितने होते हैं? थ्री। और सरफेस में नंबर ऑफ डायमेंशंस टू होते हैं, और लाइंस में नंबर ऑफ डायमेंशंस वन होते हैं, और पॉइंट में नंबर ऑफ डायमेंशंस क्या होते हैं? जीरो। तो ये क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन इसने बनाया कि द नंबर ऑफ डायमेंशंस ए सॉलिड हैज। सॉलिड के पास कितने डायमेंशंस होते हैं? थ्री डायमेंशन होते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डायमेंशंस ए पॉइंट, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में ये सरफेस के पूछ रहे हैं। तो सरफेस के डायमेंशंस अभी हमने लिखे कि सरफेस में डायमेंशंस कितने होते हैं? सॉलिड के बाद आता है सरफेस, तो नंबर ऑफ डायमेंशंस इन ए सरफेस आर टू, सॉलिड में थ्री, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिड टू सरफेस, सरफेस टू लाइंस, एंड लाइंस टू पॉइंट, ऐसे कन्वर्जन होता है। फिर द नंबर ऑफ डायमेंशंस ए पॉइंट हैज, तो पॉइंट के पास तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं, तो जीरो। कितने डायमेंशन? जीरो। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। फिर यूक्लिड के बारे में पढ़ा था, यूक्लिड ने एक फेमस ट्रीटिस प्रेजेंट किया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? एलिमेंट्स था, द एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि यूक्लिड ने जो ट्रीटिस प्रेजेंट किया था उसका नेम क्या था? तो नेम क्या था उसका? एलिमेंट। ठीक है, और उस एलिमेंट में नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने थे? 13 चैप्टर्स थे। नंबर ऑफ चैप्टर कितने थे हमारे पास में? 13। और हर एक चैप्टर को क्या बोला गया था? एक बुक बोला गया था। ठीक है, ई चैप्टर वाज ए बुक। फिर नेक्स्ट कह रहे थे नंबर ऑफ प्रपोजिशंस इन द एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स में कितने प्रपोजिशंस हैं? तो ये देखा था हमने 465 प्रपोजिशंस थे एलिमेंट्स के अंदर। फिर नेक्स्ट कह रहे बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर, तो सॉलिड की बाउंड्रीज आपको अच्छे से पता है, सॉलिड की बाउंड्रीज क्या होती हैं? सरफेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट कह रहे हैं बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस आर, तो कल जो हमने पढ़ा था कि सरफेसेस की जो बाउंड्रीज होती हैं वो या तो आपको कर्व्स मिलेंगी या आपको लाइंस मिलेंगी। ठीक है, यहाँ क्या है, ऑप्शन के अंदर दोनों चीजें गिवन है, कर्व्स भी गिवन है, लाइंस भी गिवन है, तो हम कौन से ऑप्शन को पिक करेंगे? तो हमारा जो मोर जनरल ऑप्शन रहेगा दैट इज कर्व्स। क्यों? बिकॉज जो लाइंस है वो भी क्या होती है? एक कर्व्स टाइप में होती है। तो हम यहाँ कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे? मोर जनरल ऑप्शन पिक करेंगे, दैट इज द कर्व्स। सेकंड ऑप्शन इज योर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द ब्रिक्स यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क वर हैविंग डायमेंशंस इन द रेशियो। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि जो ब्रिक्स थी उनका रेशियो क्या था? 4:2:1। तो 4:2:1 आपका सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। फिर कह रहा है ए पिरामिड इज ए सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज, तो आपको पता है पिरामिड कैसा होता है?
जिसके बेस में कोई भी पॉलीगन हो सकता है। जैसे हमने यहाँ एक रेक्टेंगुलर पिरामिड मान लो कंसीडर किया, तो ऐसे रहता है, ठीक है, इस टाइप का फिगर। यानी कि साइड जो सरफेसेस होते हैं वो ट्राइंगल्स होते हैं और वो सारे क्या करते हैं, एक पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, जिसको वर्टेक्स बोला जाता है। और इसका जो बेस है वो क्या हो सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस पॉलीगन इसके क्या रहते हैं, डिफरेंट नेमिंग्स रहते हैं। जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, ट्राइंगल है तो ट्राइंगुलर पिरामिड, इक्विलेटर ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल पिरामिड, तो ठीक है। तो पेंटागन है तो पेंटागनल पिरामिड। तो यानी कि ये क्या हो सकता है, बेस, बेस क्या हो सकता है, एनी पॉलीगन। इसका भी डिस्कशन किया गया है फिफ्थ चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पिरामिड क्या होता है और उसका बेस क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है द साइड फेसेस ऑफ ए पिरामिड आर, तो साइड फेसेस ऑफ ए पिरामिड क्या होते हैं, ट्राइंगल्स, ठीक है। साइड फेसेस क्या होते हैं आपके पास में, ट्राइंगल्स होते हैं। ये थे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं जो 12th क्वेश्चन दे रखा है। ये हमने कल पढ़ा था कि इक्लिड के 7 एग्जाम एनसीईआरटी में गिवन है और 5 पोस्टुलेट्स गिवन है। तो ये आपको 7 एग्जाम और 5 पोस्टुलेट अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम हमने पढ़ा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, और सेकंड पढ़ा था कि इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स देन द रिजल्टेंट्स आर इक्वल। तो यहां देखो क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, ठीक है। यानी कि आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 गिवन है। फिर कह रहे दोनों तरफ z ऐड किया इसने, तभी तो ये बना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 प्लस जेड। यानी कि दो चीजें इक्वल थी, उन दोनों में क्या कर दिया, इक्वल ऐड कर दिया z, तो रिजल्टेंट भी इक्वल है। ये कौन सा एग्जाम बोलता है आपका, ये सेकेंड एग्जाम ऐसा कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, ये कह रहा है इन एंशियंट इंडिया द शेप्स ऑफ ऑल्टर्स यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड रिचुअल्स वर। ये हमने डिस्कस किया था कि जो हाउसहोल्ड रिचुअल्स के लिए जो ऑल्टर्स यूज होते थे उनकी जो शेप रहती थी वो स्क्वायर एंड सर्कल्स होती थी, ठीक है। और जो पब्लिक वर्शिप के लिए यूज करते थे वो क्या कॉम्बिनेशन रहता था, रेक्टेंगल्स का और ट्राइंगल्स का एंड ट्रेपीजियम का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि इन एंशियंट इंडिया ऑल्टर्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स लाइक रेक्टेंगल ट्राइंगल्स एंड ट्रेपीजियम वर यूज्ड फॉर, ये पब्लिक वर्शिप के लिए यूज होते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऑल्टर्स यूज होते थे हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए वो स्क्वायर एंड सर्कल्स टाइप में रहते थे, और जो रेक्टेंगल्स ट्राइंगल्स और ट्रेपीजियम्स का कॉम्बिनेशन रहता था वो पब्लिक वर्शिप के लिए यूज होते थे। नेक्स्ट द नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोसेलस ट्राइंगल्स इन श्रीयंत्र, कि श्रीयंत्र में जो इंटरवोवन आइसोसेलस ट्राइंगल्स थी उनका काउंटिंग क्या थी, तो ये काउंटिंग कितना था आपका, 9, ठीक है। इसको कहां डिस्कस किया गया, अर्थवेद में डिस्कस किया गया। और एक चीज अगर आप लोगों को वहां ध्यान है कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनसे जो सब्सिडरी ट्राइंगल्स बनती थी वो कितनी रहती थी आपके पास में, 43। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो सब्सिडरी ट्राइंगल्स बनती थी 9 इंटरवोवन आइसोसेलस ट्राइंगल से वो कितने रहते थे, 43। यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो आपसे ये पूछ ले कि जो इंटरवोवन ट्राइंगल्स थी उनका नेचर कैसा था, इक्विलेटरल था, स्केलेन था, या फिर आइसोसेलस, या फिर राइट एंगल। तो आपका आंसर क्या रहेगा, उस टाइम आइसोसेलस ट्राइंगल्स यूज करते थे। फिर नेक्स्ट जो 17 क्वेश्चन है वो कहता है यूक्लिड बिलोंग टू द कंट्री, तो यूक्लिड आपको पता है किस कंट्री के मैथमेटिशियन थे, ग्रीस से। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो किसके ऊपर विश्वास करते थे, लॉजिकल चीजों को प्रूव करने में, कि लॉजिकल कोई चेन से उनको प्रूव किया जाए। थेल्स बिलोंग्स टू द कंट्री, थेल्स और जो यूक्लिड थे ये कहते सेम कंट्री से बिलोंग करते थे, मीन्स थेल्स भी किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ग्रीस, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीस कंट्री से बिलोंग करते थे। पाइथागोरस वाज ए स्टूडेंट ऑफ, तो पाइथागोरस ये भी क्या थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे और वाज ए स्टूडेंट ऑफ, किसके स्टूडेंट थे, ये थेल्स के, ठीक है, अंडर थेल्स वर्क किया था। और इन्होंने क्या किया था, ज्योमेट्रिकल
वर्क किया था, यानी कि ज्योमेट्री की बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करके, ये बहुत सारे मैथमेटिशियन थे, उन सब लोगों ने मिलकर वर्क किया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ए प्रूफ। तो हमने पढ़ा था कि एग्जाम और पोस्टुलेट क्या होते हैं, सेम चीजें होती हैं, बस पोस्टुलेट क्या होते हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ज्योमेट्री, और एग्जाम क्या हो सकते हैं, मैथमेटिक्स की किसी भी ब्रांच के लिए हो सकते हैं। और ये होते क्या है, ऐसे मतलब स्टेटमेंट्स कह सकते हैं आप लोग, जिनको क्या है ट्रू मान लिया गया है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मींस डिफरेंट क्या किया गया, इनको ट्रायल लिया गया है इनका, और मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस पे इनको ट्रू माना गया है, एक्चुअल में इनका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, और डेफिनेशन, डेफिनेशन तो जिसको कोई स्टेटमेंट टाइप में रहती है, तो हमने पढ़ा था कि जिसका प्रूफ नीड रहता है वो क्या बन जाती है, थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज प्रूफ इज लॉजिकली एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ए प्रूफ, थ्योरम क्या है, नीड्स ए प्रूफ। नेक्स्ट कह रहे हैं, यूक्लिड स्टेट्स दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ। तो आपको पता है यूक्लिड ने फाइव पोस्टुलेट्स दिए थे। फर्स्ट पोस्टुलेट तो क्या कहता था, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट है तो इससे किसी भी दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पोस्टुलेट ये कह सकता है, कहता था कि कोई टर्मिनेटेड लाइन है तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड कहता था किसी भी पॉइंट पे आप एनी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ जो पोस्टुलेट था वो क्या कहता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, चाहे वो स्क्वायर के अंदर है या फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपका क्या था, एक पोस्टुलेट था। ठीक है, यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ए पोस्टुलेट। ठीक है, एक फिफ्थ पोस्टुलेट ये था कि एक लाइन है और इस लाइन के अलावा कोई एक पॉइंट चूज करते हैं तो वो वहां से एक लाइन मिल जाएगी एम विच इज पैरेलल टू प्रीवियस लाइन एल। ये प्लेफर्स ने इसको रीस्टेट किया था और यूक्लिड ने ये कहा था कि अगर दो लाइन है तो जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 रहेगा सम, उस साइड दे सीम्स टू बी मीटिंग। ठीक, नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन क्या कहता है, लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ। तो ये क्या था, एक किसकी फॉर्म में स्टेट किया गया था इसको, एज ए डेफिनेशन। ठीक है, कि दो लाइंस पैरेलल होंगी अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती तो। ठीक है, तो ये आपकी एक डेफिनेशन थी। ये हमने यहाँ 22 क्वेश्चंस डिस्कस किए, इनके साथ कैसे कैसे और क्वेश्चंस बन सकते हैं पैरेलली हमने उनको भी डिस्कस किया। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, और क्वेश्चन को देखने के बाद में एक बार जो हमने यूक्लिड चैप्टर के ऊपर जो वीडियो बनाई है एक बार उसको भी रिविजिट कर लें, और आपके एनटीएससी एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो से थ्रू आउट जरूर हो आप लोग। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।